CIET NCERT प्रस्तुत करते हैं हौसलों की उड़ान मंगलयान। मार्स यानी मंगल। हमारी आकाश गंगा के सभी ग्रहों में एक मंगल ही ऐसा ग्रह है जो मानव की कल्पनाओं के सबसे करीब है, क्योंकि मंगल और हमारी पृथ्वी में बहुत समानताएं हैं। ये ग्रह हमारी सौर प्रणाली यानी सोलर सिस्टम के बाकी ग्रहों के जितना प्रतिकूल नहीं है। मंगल ग्रह की सतह भूभाग कई मायनों में पृथ्वी से मेल खाते हैं। मंगल ग्रह की पहाड़ियां, घाटी, पठार, ध्रुवीय बर्फ आदि पृथ्वी की भौगोलिक रचना के काफी समान हैं। बाकी ग्रहों की तुलना में मंगल का सौम्य वातावरण ये उम्मीद जगाता है कि कहीं ना कहीं मंगल पर जीवन संभव है। सदियों से मनुष्य ने मंगल ग्रह को एक लाल रंग के बिंदु की तरह देखा, जो रात को स्थिर तारों के बीच सबसे अलग चमकता हुआ दिखाई देता है। मार्स यानी मंगल ग्रह का सही रूप में अध्ययन 16वीं शताब्दी में आरंभ हुआ, जब गैलीलियो गैलीली ने दूरबीन की मदद से मंगल का अवलोकन किया। वक्त बीतता गया, लेकिन ये लाल ग्रह वैज्ञानिकों की जिज्ञासा का विषय बना रहा। वैज्ञानिकों ने मंगल ग्रह का और करीब से अध्ययन करने की ठानी। अंतरिक्षयान, लैंड रोवर्स और ऑर्बिटल सैटेलाइट्स की सहायता से मनुष्य ने शुरू किया मंगल अभियान। शुरुआत में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी नासा ने मंगल ग्रह का अन्वेषण करने के लिए कई अभियान शुरू किए, जैसे मैरिनर 9 और द वाइकिंग। वहीं यूरोप ने भी मंगल परियोजना के अंतर्गत मार्स एक्सप्रेस नामक सैटेलाइट को मंगल की कक्षा में उतारा, जहां रशिया ने फोबोस ग्रंट नामक रोवर का प्रक्षेपण किया, तो वहीं जापान ने भी इसी रशियन अंतरिक्षयान पर यिंग हुओ 1 नामक सैटेलाइट को भेजने का प्रयास किया। कुछ सफल रहे, कुछ असफल। भारत की ओर से मंगलयान भी मंगल ग्रह को और करीब से समझने के वैश्विक प्रयास का ही एक हिस्सा था। मंगल ग्रह पर भेजे गए अभियानों का गणित हमारे विरुद्ध था। जिस समय इस परियोजना को सरकार के समक्ष रखा गया, उस वक्त तक मंगल के लिए विश्व भर में ऐसे 51 अभियान चलाए जा चुके थे, जिनमें से मात्र 21 ही सफल हो पाए थे।
भारत क्योंकि एक आर्थिक और सांस्कृतिक विविधताओं वाला प्रगतिशील देश है, इसलिए जब सरकार के सामने मंगल अभियान का खाका रखा गया तो इस बात पर विचार करना जरूरी था कि क्या इस परियोजना में 4.5 अरब रुपए का निवेश करना उचित रहेगा। लेकिन इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो की फिजिबिलिटी रिपोर्ट ने यह साबित कर दिया कि देश के सर्वांगीण विकास के लिए यह प्रोजेक्ट कितना जरूरी था। भारत की ओर से मार्स ऑर्बिटर मिशन मंगल ग्रह को और अधिक विस्तार से समझने के वैश्विक प्रयास का एक जरूरी हिस्सा था, मगर इससे भी ज्यादा जरूरी था दुनिया को यह बता देना कि अब भारत भी खुद अपने दम पर अंतरिक्ष परियोजनाओं के लिए तकनीकी रूप से सक्षम है। हालांकि इसरो की मंगलयान परियोजना को भारत सरकार ने आधिकारिक रूप से स्वीकृति 2012 में दी थी और इस परियोजना को पूरा करने के लिए इसरो के पास मात्र 15 महीने का समय था, पर क्योंकि सन 2011-12 के बजट में इस परियोजना के लिए धन का आवंटन कर दिया गया था, इसलिए इसरो के वैज्ञानिकों की तैयारी एक कदम आगे थी। 5 नवंबर 2013, अंतरिक्ष में किसी ग्रह के अध्ययन के लिए भारत का ये पहला प्रयास था। मात्र 15 महीने के कम समय में वैज्ञानिकों ने वो कर दिखाया जो किसी और देश के लिए सपने देखने जैसा था। अत्याधुनिक उपकरणों से लैस भारत का महत्वाकांक्षी अभियान मंगलयान श्रीहरिकोटा सतीश धवन स्पेस सेंटर के सेकंड लॉन्च पैड पर खड़ा था, अपनी निगाहें गड़ाए उस अनंत ब्रह्मांड की ओर। हौसलों की उड़ान मंगलयान। अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। वाचन स्वर सुचित्रा गुप्ता, ध्वन्यांकन एवं तकनीकी सहयोग बटी लैंगलिंगडो और शानु मुक्सीम, आलेख निर्माण निर्देशन एवं ध्वनि संपादन मयंक थपलियाल तथा प्रस्तुति CIET NCERT।